अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, जैसा कि हमारा एक मिशन है कि हम आपको हर अच्छी खूबसूरत जगह जो हम सीन करते हैं आपको भी सीन करवाते हैं। इसी तरह हम आज एक और खूबसूरत मकाम पर मौजूद हैं जिस पर आपको अपने साथ हमने इस सफ़र का हिस्सा बनाया और आपको इस जगह की सीन करवा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा और लेकिन साफ सफा खूबसूरत पानी है, बहुत ही दिलकश नज़ारा है, बहुत ही सरसब्ज इलाका और बहुत ही नाइस जगह है जिस जगह पर हम आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पानी किस तरह पत्थरों से होता हुआ गुजरता हुआ और छोकर वेर की तरफ रवा दवा है। ये जगह जो जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जगह यहाँ पर इस जगह की लोकेशन जो है ये लोकेशन खोखर जेर और खोखर बालक के दरमियान, इस जगह का नाम तो मैं खास इन प्यालों को ये जो बॉर्डर की जगह है इसको क्या कहते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके ऊपर बहुत ही प्यारा नज़ारा है जहाँ पर हम अभी आए हैं होकर और आपको भी इस वीडियो में उसकी सीन करवाएंगे। देख सकते हैं कि ये पानी यहाँ से किस तरह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुजर रहा है और यहाँ से होता हुआ बहुत ही तेज़ी के साथ आगे जाता हुआ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ जा रहा है। हम आज इस मकाम पर आए, हमने भी ये जगह पहले नहीं देखी हुई थी लेकिन हमने ये जगह देखी, हमें बहुत लुत्फ आया। यहीं पर हमने खाने बनाने की चीज़ें जो हैं धूप की खाया पिया और तफरी का माहौल जो है हमने जो उससे बहुत ही खूब इंजॉय किया और आपको भी इंजॉय करवा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, अगर आप इस जगह पे आएँ तो आप भी यकीनन हमारी तरह लुत्फानंदोज हो सकते हैं और आप यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आ सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, इंशाल्लाह हम ऊपर की जो ऊपर खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाएँगे। यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि बंदा हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। देख सकते हैं आप कि कितने बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं यहाँ पर और खूबसूरत एक मंज़र पेश करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी अगर यहाँ पर आएँ तो बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज होंगे हमारी तरह, इंशाल्लाह आप भी यकीनन यहाँ पर आएंगे और इससे लुत्फानंदोज होंगे, इस सैर का मज़ा जो है लेंगे। यहाँ पर आएँ तो आप कोशिश करें कि अपने खाने बनाने वाली चीज़ें जो ज़रूरत की अशियाएँ अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जंगल बियाबान होते हैं और इन पहाड़ों में कोई चीज़ आपको खाने पीने के लिए मिलेगी नहीं, लिहाजा आप अपने साथ जो चिकन वगैरह या बीफ वगैरह बीफ या मटन वगैरह जो चीज़ भी आप लाना चाहते हैं अपने साथ लें या राइस वगैरह चावल ले आएँ जो आप यहाँ पर बनाएँ, खुद ही यहाँ पर बनाएँ, यहीं पर इस्तेमाल। उम्मीद है कि आप जो हैं इस सफ़र को इंजॉय करेंगे। अगर आपको यहाँ आने का मौका मिला, ये जगह मैं आपको बता चुका हूँ कि खोखर जेर और खोखर बाला के दरमियान में वाकई है। इस जगह का नाम मैं नहीं जानता लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो आपको खोखर जेर से गुजर कर बीच में से पहाड़ी सिलसिले से आना पड़ेगा और इंशाल्लाह आपको ये जगह मिल भी जाएगी। तो अगर आपको चाहिए होगा इस जगह का रास्ता मालूम करना होगा तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह थी, हमने बहुत लुत्फानंदोज हुए और हमने इंजॉय किया, तो आप भी इंशाल्लाह लुत्फानंदोज होंगे, इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे दुआ चाहेंगे, आपसे इल्तिमास से दुआ है कि आप हमारे लिए सेहत के लिए दुआ करें कि हम और भी अच्छी अच्छी जगह आपको विज़िट करवा सकें और आपको इन मालूमाती जगह का जो है नॉलेज दे सकें ताकि आप भी अगर तफरीह के लिए निकलना चाहें तो इन जगहों पर आ सकते हैं। लिहाजा हम आखिर में आपसे दरख्वास्त चाहेंगे जाने की और खुदा हाफिज़ करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल चटवाल मेरा शहर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें।